हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मॉर्निंग के 8 बज रहा है और हम अभी मुँह हाथ धो के नाश्ता वगैरह करके निकल गए घर से। तो अभी हम देख सकते हैं बाहर में है, ये रहा मेरा घर और हम है बाहर में। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है अभी सुबह के टाइम पर, मतलब देखने को बहुत बढ़िया लग रहा है। साइड में मतलब साइड में पेड़ पौधा जितना भी है सारा अच्छा अच्छा पत्ता सब निकला है नया नया, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हम जाएंगे अभी उधर, तो चल। सो गाइस, अभी देख सकते हैं नदी में है हम और जा रहे हैं पारल बीड़िया, जो पोल्ट्री फार्म का मेरा काम है। तो लकड़ी वगैरह लगेगा, तो लकड़ी देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर है कि नहीं। वहाँ पर मतलब मिल, लकड़ी का मिल है वहाँ, वहीं पर देखेंगे। तो ये देख सकते हैं नदी है, नदी अभी सूख गया है, अजय नदी है ये पारल बीड़िया घाट का। और ये अभी पानी तो ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे ही इधर ब्रिज तरफ नहीं गए, शॉर्टकट में आगे, ये शॉर्टकट का रास्ता है हम लोग का। तो देख सकते हैं ये रहा नदी और पानी मतलब है ही नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही कम है। ये रहा नदी का पानी, बहुत कम ही चल रहा है। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो सो गाइस, देख सकते हैं बाली मतलब बालू का जो ही है बहुत ही गाड़ी ले जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो चलिए उस पर थोड़ा हेल्प करते हैं और वहाँ पर देखते हैं लकड़ी का रेट क्या है और है कि नहीं। सब कुछ आप लोग इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं ऊपर तरफ, थक गए, उसका भी थोड़ा हेल्प करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही मतलब परेशान हुआ, परेशानी में झेलना पड़ा है नदी में। तो ये नदी के ऊपर आगे है, अब जाएँगे। ये देख सकते हैं बहुत ही मतलब जोर दे के गाड़ी को निकाला बालू से, फिर चलिए चलते हैं मिल तरफ। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं लकड़ी की मिल पर। देख सकते हैं ये रहा बहुत सारा लकड़ी जो रखा हुआ है, और ये रहा मशीन जिसमें से लकड़ी वगैरह फाड़ता है। और हम जो लेने आए थे वो बात करेंगे अभी, नहीं कि यह चीज़ देख सकते। ये रहा मशीन और ये उधर उधर घर में एक मशीन है, और ये रहा एक मशीन यहाँ पर सिर्फ चीरता है और यहाँ पटा वगैरह बनाता है। तो देख सकते हैं ये रहा कुछ मिल का नज़ारा, और ये रामदर हमारे, ये है मालिक, और ये मतलब ताल का कुछ लकड़ी लेना है और सब कुछ और सब लकड़ी लेना है मतलब मुदन बगर लगाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर मतलब दिखने का। देख सकते हैं ये रहा कुछ माल यहाँ पर लोड हो रहा है, और ये मशीन, मशीन तो बहुत बढ़िया है, मतलब देखने जगह है कि कैसे चीता है, मैंने भी नहीं देखा था तो आज देख लिया। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैमरा में। सो गाइस, ये रहा मशीन, उधर देख सकते हैं इंजन है उधर मशीन का, और ये इसे उसी इंजन से घुमाता है, ये सब घूमता है, और ये जो बीच वाला जो है आरी लगा हुआ है बीच में, और देख सकते हैं ये रहा मशीन, और ये यहाँ मतलब लकड़ी सब रखता है इसमें, और इसमें रख के उसमें फिर चिरता है। तो चलिए ये रहा कुछ नज़ारा। सो गाइस, चलिए मालिक से बात करते हैं, मतलब बात करेंगे कितना मतलब इसका रेट है, क्या पड़ेगा क्या नहीं, फिर ऑर्डर लिखाएंगे, फिर चल जाएंगे घर, फिर बाद में माल भेज देगा ये लोग। तो चलिए बात करते हैं, बात करने के बाद फिर जाएंगे घर। सो गाइस, मालिक से बात कर लिए, जो लकड़ी मिल गए थे, लकड़ी मिल के मालिक से बात कर लिए, वो बोल रहा है कि जो जितना मुझे सामान लेना है टोटली 15,000 के लगभग पड़ेगा, और मतलब ऑर्डर वगैरह लिखा दिया है, देखते हैं अब सामान कब देता है। जब भी मतलब फ़ोन करेगा, नंबर लिया, बोल रहा था कि फ़ोन कर देंगे जैसे ही रेडी हो जाएगा माल तो फ़ोन करेगा। तो देखते हैं कितना दिन में फ़ोन करता है। तो अभी लकड़ी मेल से ही आ रहे हैं। तो चलिए, यह है नदी, नदी जब पहुंच गए, और नदी में मतलब ब्रिज तरफ नहीं गए हैं, आप सामने ही मतलब शॉर्टकट पड़ता है हम लोग का, इसी रास्ते पर जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते पर घूम के आ गए। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही दिक्कत होता है बालू के ऊपर से जाने में, तो गाड़ी भी मतलब रास्ता तो नहीं ना है, तो यही से ले जाना पड़ता है। तो वो पहले चल गया है और हम अभी जा रहे हैं कुछ। तो गाइस देख सकते हैं नदी के बीचों बीच आ गए हैं, और नज़ारा बहुत ही सुंदर है, मतलब इधर आते हैं तो नदी तरफ बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज भी बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बीच नदी में अभी है, और इधर है उस तरफ का इतना दूर, और इधर आगे उतना दूर, मतलब अभी बीच में है, ये पानी है
थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए पहले पानी पार करते हैं। सो गाइस अभी शाम के मतलब 4:30 बज रहा है और आज अभी हम जा रहे हैं नाला, देख सकते हैं। ये मैं जा रहा हूँ और ये राजेश, दोनों मिलकर जा रहे हैं नाला और अभी घर से निकल गया है। तो चलिए अब चलते हैं नाला। नाला में कुछ काम है उसका, शायद मेरा तो आज नहीं है काम, उसका भी है। जो भी है आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो का अंत तक और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं निकल गया है, ये रहा हम लोग का रास्ता जो शॉर्टकट पड़ता है नाला जाने का, इस तरह का रास्ता है और निकल गए हैं। चलिए चलते हैं। ये रहा हम लोग का शॉर्टकट रास्ता नाला जाने का। सो गैस नाला का जो काम था उसका छोटा बहुत काम था तो वो कंप्लीट हो गया है और अभी ये आ गया है, ये देख सकते हैं उधर स्वीट में, और यहीं पर समोसा वगैरह खाएंगे उसके बाद जाएंगे घर। तो हम लोग का मतलब कभी ये इधर आते अगर आते हैं कुछ भी अगर नाश्ता वगैरह करते हैं तो इसी में करते हैं उधर स्वीट में। तो चलिए उधर स्वीट के अंदर तरफ जाते हैं और समोसा वगैरह खा लेते हैं, मतलब अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है, तो आई होप अच्छा ही लगेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, आप लोग को बताएंगे जरूर। तो सो गाइस फाइनली हम अभी दुकान में है, देख सकते हैं अभी दुकान के अंदर और ये हम लोग का आ गया है समोसा, तो इसको अभी टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी भी आते हैं इसमें खाते हैं। तो चलिए बने रहे वीडियो में, फिर बताते हैं आपको कैसा लगता है। तो चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं, गिरेगा। हर दिन टेस्ट लगता है तो आज क्यों नहीं है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी है। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। फाइनली यहाँ से समोसा खा के निकल चुके हैं, देख सकते हैं यार बाइक में, और जाएंगे अभी पानी पी लेते हैं, पानी पी के अभी निकलेंगे। और सो गाइस आज रात के अभी 9:30 बज रहा है और आज का पूरा काम कंप्लीट, खाना वाना खा के कंप्लीट हो गए हैं और अभी बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।